हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेले की ऐसी सब्जी जो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करना है। इसे बनाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये हम बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे। अगर आपको ये पसंद आती है तो मुझे लाइक और कमेंट करें। उसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 250 ग्राम करेले को छील कर ले लिया है और इस तरह से कट लगा दिया है। अब इसे हम उसमें नमक ऐड करके भर लेंगे और इसे हमें उबाल लेना है कुकर में 2 विसल तक। इस तरह से नमक डालने से हमारे करेले की सारी कड़वाहट निकल जाएगी। अगर आपको कड़वा पसंद है तो आप सिंपल तरीके से उबाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से उबालने से करेले की कड़वाहट दूर हो जाएगी और बहुत ही अच्छी बनेगी हमारी सब्जी। इसे खाकर आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अब इसी तरह से मैंने सारे करेले को नमक से भर लिया है। अब इसी तरह से भरने के बाद अब कुकर में हम इसे उबाल लेंगे। अब यहाँ पर कुकर मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है। बहुत ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें हम करेले ऐड कर लेंगे सारे और इसे हम सिर्फ 2 विसल तक उबालेंगे। ज़्यादा उबालेंगे तो मैश हो जाएंगे, इसीलिए हम 2 विसल तक ही उबालेंगे और बाद में इसे हम निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने करेले को ठंडा होने के बाद निकाल के इस तरह से उसके बीज निकाल लिए हैं। अगर आपको बीज पसंद हो तो आप रख सकते हैं, वरना आप बीज निकाल लें। अब उसको भरने के लिए हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बेसन की सेव ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है। 2 चम्मच बेसन और 1 छोटी कटोरी सिंगदाना को क्रश करके ले लिया है मैंने। मूंगफली को स्वाद अनुसार नमक ऐड कर ले और लाल मिर्च को ऐड कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैंने लहसुन वाली लाल मिर्च ली है। अब 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, अब थोड़ी सी शक्कर मैंने ऐड कर ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही ऐड करना, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले से हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छी बनेगी, गाढ़ी बनेगी और ये करेले की सब्जी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे हमारी सब्जी में बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। अगर आपको थोड़ा तेल कम लग रहा हो तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा और ऑयल ऐड कर लिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने करेले में इसे भर लेंगे सारा मसाला। अब हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब अपने करेले में इस तरह से सारा स्टफिंग भर लेंगे और इस तरह से दबा के बंद कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे करेले को भर लेंगे। अगर आपको बीज पसंद हो तो आप रख सकते हैं और ना आप निकाल ले। अब इसी तरह से हम सारे करेले को भर लेंगे और हम हमारी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने सारे करेले को भर लिया है और जो बाकी मसाला बचा है उसे हम अपने सब्जी में बाद में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2-3 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले राई ऐड करेंगे, राई क्रेकल हो जाए उसके बाद हम जीरा ऐड करेंगे।
थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। अब उसमें हम एक बड़ा प्याज को कट करके ले लिया है मैंने, आप चाहे तो क्रश करके भी ले सकते हैं। अब प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब प्याज थोड़ा सा सुनहरा हो जाए उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे उसमें। अब मैंने प्याज भून लिया है और टमाटर ऐड कर दिया है। अब टमाटर को भी थोड़ा सा पका लेंगे और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे अपनी ग्रेवी के अनुसार, बाकी मसाला में भी हमने नमक ऐड कर दिया है। अब सब कुछ अच्छे से भून चुका है, अब उसमें हम अपना मसाला जो बचा हुआ था वो ऐड कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करते हुए उसे चला लेंगे। अब ऊपर से उसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे ग्रेवी में। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकती है। अब यहाँ पर मैंने आधा ग्लास जितना पानी ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें हम हमारे करेले ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब उसमें हम सारे करेले ऐड कर देंगे। इस तरह से करेले ऐड करने के बाद इसे हमें ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेना है, ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो हमारे करेले टूट जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह से ग्रेवी में डुबो देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक कर पका लेंगे और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब इसी तरह से एक डिश को ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे और हमारी सब्जी बाद में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ग्रेवी में से ऑयल अलग हो चुका है और हमारे करेले भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमारी सब्जी का कलर आप देख सकते हैं, ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हमारी सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब उसे हरे धनिये से गार्निश कर लेते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपनी सब्जी को एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, उसे हम हरे धनिये से गार्निश कर लेते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।